हेलो स्टूडेंट्स, आज यानी कि 21 जनवरी 2024 को जो आरसीईआरटी का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, 35 क्वेश्चंस हम आपको आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। मेरे पास में है सी सीरीज की क्वेश्चन बुकलेट, आपके पास इसके अलावा ए बी या फिर डी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग मिला सकते हो। तो हम बात करते हैं सी सीरीज के पहले क्वेश्चन की, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर रह जाएगा इसका सी ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक को गोपनीयता के लिए एनक्रिप्ट करना। क्वेश्चन नंबर दो की अगर बात करते हैं, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है। साइबर सुरक्षा यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर तीन, ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का अर्थ क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि तीन नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर चार, दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या अर्थ है, यानी कि OCR के फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रिग्नेशन, यानी कि चार नंबर क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि पांच नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छह की बात करें, विंडोज टास्क मैनेजर में ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, यानी कि छह नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सात की बात करें, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स के इसके उदाहरण, किस चीज के उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण होते हैं ये, तो क्लाउड स्टोरेज सेवाएं हैं। तो सात नंबर ऑप्शन है जो डी ऑप्शन इसका सात नंबर क्वेश्चन का। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की, मान लीजिए प्रत्येक पेपर के प्रत्यांक B2 से लेकर B7 सेल में प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है। एमएस एक्सेल 2000 में निर्धारित करने के लिए प्रतिशत निर्धारण करने के लिए इसका सही सूत्र क्या है। तो सही सूत्र इसका बराबर सम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, B2 से B27 का हम टोटल लगाते हैं, उसको फिर हम डिवाइड करते हैं 600 से और उसको मल्टीगुणा करते हैं 100 से। क्वेश्चन नंबर नाइन, यदि आप ईमेल संदेश बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल जोड़ते हैं तो संदेश के प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो राइट आंसर है इसका BCC। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, DNS सेवा को संबोधित अनुच्छेद करती है। तो DNS यानी कि डोमेन नेम कोर, तो बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, डोमेन नेम और इसका आईपी पता, तो 10 नंबर का बी ऑप्शन है इसका। 11 नंबर की बात करते हैं, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, बिल का भुगतान किया जा सकता है, प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, शिकायत भी दर्ज हो सकती है, यानी कि ये सभी हो सकते हैं। तो 11 नंबर का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, नया दस्तावेज या विंडो को खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है। तो ओपन करने के लिए मतलब कंट्रोल ओ हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, एसएसओ पोर्टल के निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके अंदर वेब पोर्टल के माध्यम से ई सेवाएं, राजस्थान संपर्क, राजस्थान की वितरण प्रणाली, यानी कि ये सभी ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है, तो अमेजन, तो हम इसको 14 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब का नियंत्रण समूह है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूर्वावलोकन यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट के रूप में निम्नलिखित है, चार्ट शीर्षक, डिजाइन डेटा, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइंस, वैल्यूज, ग्राफिक्स, यानी कि ये सभी ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज भी है और एप्पल का iOS भी, इनकी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, 17 नंबर का सी ऑप्शन राइट रहेगा। विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या रहता है, तो स्नैप एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करवाना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों का पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल्स का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 की प्रस्तुति के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, PPTX। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं,
पावर पॉइंट 2010 के स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट पर आप राइट क्लिक कीजिए, कंसेप्ट मेन्यू पे कस्टम पर एनी कीजिए, रिबन एनिमेशन टैब पर जाइए, गैलरी में ओपन कीजिए, ऑब्जेक्ट को चुनिए, फिर एनिमेशन पेन को खोलने के लिए कंट्रोल ए दबाइए, या फिर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके एनिमेशन सेटिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट पर आप कॉपी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया या लॉन्च किया कौन से है, रुपए, यानी कि 22 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। एक्सेल 2 क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज सबसे अधिक मूल्य को ढूंढने के लिए किया जाता है, मैक्स का, तो ए ऑप्शन 23 नंबर का राइट आंसर रहेगा। तो राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है, तो पहले कौन सी रहेगी, राजमेघ की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ईमेल प्रसारण में प्रयोग करने वाली बीसीसी का विस्तारित रूप, यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, एक्सेल 2010 में वी लुक का फंक्शन का क्या काम करता है, तो ये एक रेंज से पहले स्तंभ मूल्य की खोज करता है, उस पंक्ति से दूसरे स्तंभ मूल्य को लौटाता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिबन टेक्स्ट में टेक्स्ट को स्वरूपित करने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, ग्राफिक सेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, होम पेज का, यानी कि होम टैब का। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में प्रेक पेज किस तरीके से डाला जाएगा, तो प्रेक पेज लेआउट पे जाइए, बैक क्लिक कीजिए और फिर पेज को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि हम 29 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस की सुविधा का क्या उद्देश्य है, तो अब इसका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रह जाएगा बी ऑप्शन, दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को खोज करना, उसे नए पाठ में बदलना। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 में आप कैसे संख्याएं की सूची बना सकते हैं, तो सूची बनाने के लिए होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग पे जाके हम नंबरिंग बटन पर क्लिक करके इसकी एक सूची बना सकते हैं सीरीज वाइज में। क्वेश्चन नंबर 32, एक वेब ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर वेबसाइट को ब्राउज करना। क्वेश्चन नंबर 33, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किए जाते हैं, तो वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम F11 का बटन का भी यूज करते हैं या फिर हम Alt Shift प्लस F1 भी यूज करते हैं, तो अब इसके अंदर ऑप्शन दिए नहीं है, तो इसका कंट्रोल Shift प्लस N भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक नया ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस N, यानी कि 34 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। और 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विंडो में एक रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या रहता है, भी रिस्टोर का उपयोग ये रहेगा भी सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति को वापस पुनर्वापसी करने के लिए, यानी कि जो पिछला हमारा सिस्टम था वापस उसी स्थिति के अंदर वो रिस्टोर होने के बाद में आ जाएगा। तो ये थे आज के RSCET की 35 क्वेश्चन, आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग इन सभी का आंसर है जो आप मिला सकते हो। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें।